देखो, दुनिया में अगर इस्लाम को सही मानों में तबलीग की इजाज़त दे दी जाए ना, तो इतनी स्पीड से इस्लाम फैलेगा कि आपकी सोच है। मसला सारा ये है कि जो हकीकी मानों में गैर मुस्लिमों में तबलीग करते हैं ना, उनकी राह में रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक। भाई आप तो ब्रॉड माइंडेड हो, आप तो लिबरल लोग हो, आप तो कहते हो कि कोई भी कोई नज़रिया रख सकता है, तो डॉक्टर साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए, अमेरिका में भी डॉक्टर साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए, यूके में भी डॉक्टर साहब को इजाज़त मिलनी चाहिए, लंदन में भी। अगर आप कहते हो कि इस तबलीग से इस्लाम फैल रहा है, हिंदू सारे कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में, ईसाई सारे आ रहे हैं, उनको एतराज़ात के जवाब मिल रहे हैं, तो भाई पादरियों को भी हम चांस देते हैं, वो भी अपने बड़े बड़े सेमिनार मुनक़िद करें, हमने कब मना किया है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम पंडितों को भी कहते हैं, यार तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से बड़ा प्रोग्राम करो यार, मैं भी आऊंगा उसमें, ठीक है ना भाई? हम तो आज़ादी दे रहे हैं ना, हम कोई तलवार की ताकत से थोड़ी किसी को मुसलमान बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो सेकुलर और लिबरल हुकूमतें हैं, वो उनका ये दावा है कि नज़रिया रखने में, कोई भी थ्योरी रखने में, कोई भी यानी थिंकिंग के मामले में हर आदमी क्या है? आज़ाद। तो भाई आज़ादी तो सबको यार। हम कह रहे हैं भाई हिंदू को भी इजाज़त होनी चाहिए हिंदुस्तान में कि वो अपनी वो लोग उस पर एतराज़ात करें, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह खड़े होकर एतराज़ात का जवाब दे। हम सबसे पहले मैं एतराज़ करूंगा पंडितों से, भाई गाय को अगर आप अपनी माँ कहते हो इसलिए कि वो दूध देती है, तो भैंस तो फिर नानी हुई, क्या ख्याल है भाई? बकरी मुमानी हुई, छोड़ा सा तो वो भी दूध देती है भाई। और ऊंटनी क्या हुई फिर? जो बकरी, हम तो डब्बे का दूध आजकल तो लोग, मैं तो नहीं पीता, खैर लोग डब्बे का दूध पी रहे हैं, तो डब्बा उनका क्या हुआ फिर? फिर तो डब्बा भी कुछ होगा। और भाई हम ये पंडित से इश्काल करेंगे कि चार भगवान पे एक क्या मिल रहा है थाईलैंड में? फ्री होलसेल के हिसाब से। तो ये भगवान की इज्जत है या तौहीन है? भगवान के रेट एक जैसे क्यों नहीं है पूरी दुनिया में? चार भगवान पे एक फ्री, बोलो क्यों मिल रहा है? जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक से लोग सवाल पूछते हैं ना भाई, ये लिखा है कुरान में, ये लिखा है, ये लिखा है, ये साइंस के खिलाफ है, ये क्या लिखा भाई? वो फिर जवाब दे रहे होते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी पूरी दुनिया में जाने की आज़ादी दो। अगर आप ये समझते हो कि भाई इस्लाम इससे गालिब आ जाएगा, ये अपनी राय थोप देंगे, तो भाई हम पादरियों को भी इजाज़त दे रहे हैं कि यार एक सेमिनार डॉक्टर जाकिर नाइक का होगा, अगले दिन किसका होगा? कोई पोप होता है ना इनका बहुत बड़ा, उसका बहुत बड़ा वो प्रोग्राम होना चाहिए, उसमें हम इश्कालात करेंगे। तो सबको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन ये इजाज़त नहीं देते। इनको पता है कि अगर खुली छोड़ दे दी तो इस्लाम का पल्ला भारी होगा, इस्लाम के मुकाबले में उसके टक्कर में कोई आएगा नहीं उसके मुकाबले में, इसलिए पाबंदियां लग रही हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब मेरी मुलाकात हुई ना, तो उन्होंने बताया कि लंदन में जो मुझ पर पाबंदी लगी है वो इस बेस पर लगी है कि मैंने ये कह दिया था कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ईसाइयों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। लेबल तो कुछ भी लगाना होता है ना अच्छा खूबसूरत सा, कौम के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। तो कहते हैं अगर मैं यही दावत देना छोड़ दूं, मैं इतनी मसलहत से काम लूं, तो फिर मैं करने क्या जाऊंगा वहां पे, ठीक है ना? ये तो इस्लाम की बेसिक है ना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा उनकी बात कि अपने विजन पर थोड़ी कंप्रोमाइज करना है। कुछ चीज़ों में तो इंसान दाएं बाएं हो जाता है, लेकिन इस्लाम की बेस ही आप जड़ से उड़ा दें तो मैं वहाँ क्या घास खाने जाऊँ? उन्होंने तो नहीं कहा घास खाने, यानी फिर मतलब क्या हुआ? मैं तो वहाँ वैसे ही घूमने फिरने जा रहा हूँ। तो ये तो बयान होगा कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हैं, ईसाइयों में तो यही बयान होगा, हिंदुओं में यही बयान होगा कि ये बुत जो अपने हाथों से बनाते हो ये माबूद नहीं है, ये मुश्किल कुशा नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वईदा समीउ मा उंज़िला इलर रसूल, और इसमें नजाशी की तरफ भी इशारा है, नजाशी ईसाई बादशाह था। जब हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम पढ़ के सुनाई है नजाशी को, तो खुद भी रोया और जितने पादरी उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे सबकी रो रो के दाढ़ियाँ तर हो गईं। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया,
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. زكريا علیہ السلام کی کو تو عیسائی اپنا پیغمبر مانتے ہیں مگر قرآن ان کے واقعات کو کیسے خوبصورت انداز میں بیان کر رہا ہے. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت به مکانا قصیا فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. بغیر شوہر کے حمل ٹھہر رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے ہائے کاش یہ دن میں نے زندگی میں دیکھا نہ ہوتا. ایسا خوبصورت بیان کیا حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم پڑھی ہے, نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئی. اور عجیب بات بتاؤں, قرآن جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس پہ بھی اثر کرتا ہے, جس کو سمجھ میں نہیں آتا نا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. اب دیکھو ہم جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا, پھر بھی سن لیتے ہیں, کہتے ہیں آج امام صاحب نے بڑا اچھا پڑھا ہے, بڑا مزہ آیا. ابھی تجھے کس بات کا مزہ آیا, تجھے سمجھ تو آیا نہیں ہے, نہیں آ رہا پھر بھی کیا آ رہا ہے. حالانکہ نہ یہ موسیقی ہے, نہ یہ کوئی ترنم سے پڑھے ہوئے اشعار ہیں, نہ یہ کوئی نظم ہے, نہ ہی معاذ اللہ کوئی سانگ ہے, کوئی گانا ہے, نہ کوئی قوالی ہے, ہے کتاب, پھر بھی کیا آتا ہے, مزہ آتا ہے. حسن قراءت کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا میں, ایوارڈ جیتتے ہیں قاری لوگ, یہ بلاغت ہے. میں نے جمعے کا خطبہ ایک ڈالا ہوا تھا بہت پرانا اپنا, تو سارا عربی میں ہے نا, اس میں قرآنی آیات ہیں. نیچے ایک انگریز عورت نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ میں پابندی سے یہ خطبہ سنتی ہوں, مجھے بہت ذہنی سکون ملتا ہے یہ سن کے. ایک گوری نے یہ کمنٹس کیے ہوئے تھے نیچے. میں جب ملیشیا میں تھا تو ساحل سمندر پہ ہم ویسے ہی لوفری کے لیے گئے, جائز لوفری تھی ناجائز لوفری, لوفری سے آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی سٹا لگانے گئے تھے وہاں پہ, ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے. تو ساحل سمندر پہ دو بندے نظر آئے مجھے, میں نے پھر ان کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی. وہ بندے دم کروا رہے تھے کسی مولانا صاحب سے, ایک مولانا قرآن پڑھ کے ان پہ کیا کر رہے تھے دم. تو میں نے جب ان کو انٹرویو لیا تو پتہ چلا یہ دونوں بندے غیر مسلم ہیں. میں نے کہا بھائی تم غیر مسلم ہو اور تم سورہ یاسین کا اپنے اوپر دم کروا رہے ہو. تو وہ دونوں عیسائی تھے. میں نے ان کا انٹرویو لیا, وہ یوٹیوب پہ ہم نے پرانا ہو گیا دو تین سال ڈالا بھی تھا. وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم جب بائبل کا اپنے اوپر دم کرواتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا, ہم جب قرآن پڑھ کے دم کرواتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے اور شفا ملتی ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر اسلام قبول کر لو اللہ کے بندو, ٹھیک ہے نا, جب تمہیں ایک واضح فرق پتہ چل رہا ہے. خیر وہ ان کا ہیڈنگ ہے قبول کریں نہ کریں. تو نجاشی کی آنکھیں رو رو کے تر ہو گئے. صحابہ کرام تو یہ قرآن پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے, ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں.